राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन रायका ने ली बोर्ड की बैठक। बताई पशुपालकों के लिए सरकार की योजना। राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन रायका ने आज कलेक्ट्री में बोर्ड की बैठक ली। आज मीडियाकर्मी से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि वसुंधरा सरकार ने पशुपालकों के लिए कई योजना बनाई है, जिससे पशु और पालक दोनों सुरक्षित है। सरकार ने पशुओं के लिए भी बीमा शुरू कर दिया है, जिसमें अगर किसी भी पशु की मृत्यु होती है तो पशुपालक को उसका पैसा दिया जाएगा, जिसमें अभी तक सरकार ने 7 करोड़ से ज़्यादा रकम पशुपालकों को दे दी है। साथ ही ऊँटनी के दूध का भी प्लांट सरकार जयपुर में लगाने जा रही है, जिससे डायबिटीज़ के मरीजों को राहत मिलेगी। आज पशुपालक कल्याण बोर्ड की मीटिंग रखी गई और हमारे पशुपालकों के लिए पहली बार किसी ने मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है, वो माननीय वसुंधरा सिंधिया जी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे पशुपालकों के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको बच्चों को शिक्षित करने के लिए आज की तारीख में 4-4 स्कूलें चलाकर 1500 बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पशु पालकों का कल्याण कैसे होगा। मैंने कहा साहब, जब पशु पालकों का पशु सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तब उनका कल्याण होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने एक बीमा योजना चालू की। आज उस बीमा योजना के तहत मैं ऊँट का 50,000 तय किया, गाय भैंस का 50,000 तय किया, भेड़ बकरी का 5,000 तय किया। आज पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करा रहे हैं, जिससे उनको किसी तरीके से कोई डेथ होती है तो डेथ क्लेम मिलता है। मुझे जाना कहते हुए बहुत खुशी होती है। ये पहला मौका है राजस्थान सरकार के द्वारा कि 7,38,00,000 रुपये 16-17 के अंदर वितरित किए गए। आज ऊँटनी के दूध को पहली बार फूड एक्ट के अंदर शामिल किया गया। वो ऊँटनी का दूध जो डायबिटीज, शुगर, मंदबुद्धि आदि कई बीमारियों के लिए रामबाण है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने वाइट गोल्ड फॉर हेल्थ कहा है, उसके लिए अलग से एक प्लांट लगाने जा रहे हैं जयपुर के अंदर, जिसने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट के अंदर 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर अंदर वो प्लांट लग जाएगा, जिससे जयपुर में, जिससे इन बीमारियों के जो भी बीमा रोगी हैं उनको रेगुलर वो दूध मिलता जाएगा। तीसरा बात, सबसे बढ़िया काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया कि उन ऊँट पालकों के, उन पशुपालकों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, मात्र पशु है, आज जिसके पास ज़मीन है वो तो KCC के जरिए उनको सरकार की सब योजना का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उन पशुपालकों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए पहली बार पशु क्रेडिट कार्ड की योजना एक केंद्र सरकार ने पहली बार लागू की है, वो भी बहुत जल्दी क्रियान्वयन हो जाएगी, जिससे उन पशुपालकों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। अजमेर कलेक्ट्रेट में इस सभागार में संभागीय स्तरीय पशुपालक कल्याण बोर्ड की जो समीक्षा बैठक रखी गई, हमारे अपेक्षित डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण इस मीटिंग में उपस्थित हुए। हमारे सभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय और राज्य मंत्री गोवर्धन जी की अध्यक्षता में मीटिंग और हमारे जितने भी डायरेक्टर हुए वो सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, पशुपालक भी उपस्थित हुए। पशुपालकों की जो समस्या थी, मोटे मोटे तौर पे जो हमारा पशुपालकों का अभी बीमा योजना बहुत बड़ी भामाशाह पशु बीमा योजना थी, उससे पशुपालकों को बहुत लाभान्वित हुआ। जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजस्थान में इस योजना से 7,38,00,000 रुपये पशुपालकों के घर तक पहुँचा, ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और भी उस पर कोई छोटी मोटी जो त्रुटियाँ है, कोई कई तकलीफें हैं, उनको दूर करने के लिए सुझाव लिए गए। माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर सुझाव को दूर किया जाएगा। इनके साथ में विशेष तौर से जो हमारे डिपार्टमेंट है, अपेक्षित डिपार्टमेंट, इसमें शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, एनिमल हस्बेंड्री है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, उद्योग विभाग है, उनसे किस प्रकार से हमारे पशुपालकों को फायदा पहुंच सके योजनाओं का, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और सुझाव लिए गए कि हम राजस्थान सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर पशुपालकों को सुदृढ़ करने के लिए, किसानों की तरफ हमारा पशुपालक किस तरह से मजबूत हो, उसके लिए नए नए और भी योजना बनाकर पशुपालकों को मजबूत बनाने का काम करेंगे।
ये इस मीटिंग में मुख्य एजेंडा था। बाकी जो प्रगति रिपोर्ट है वो हम सब परफॉर्मेंट किया। मैं अभी, मेरा नाम भूपेंद्र देवासी है, मैं राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड में वाइस चेयरमैन हूँ और अभी मुझे राजस्थान सरकार में डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा।